बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, इनसे पहले हमने ओल्ड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्टडी किया, आज हम पढ़ेंगे न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। डियर स्टूडेंट, ये जो न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड वो किस चीज़ की बुनियाद पर है? डियर स्टूडेंट, ये न्यू क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो क्लासिफिकेशन है वो फंक्शनल फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर है। यानी ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शनल ग्रुप। और फंक्शनल ग्रुप के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, इसको मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है कि फंक्शनल ग्रुप जो होता है वो क्या होता है। तो जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे पास क्या होता है, हाइड्रोकार्बन होते हैं, हाइड्रोकार्बन वो कंपाउंड होते हैं जो कि सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर मुश्तमिल होते हैं, जिस तरह अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन्स। अगर इनसे एक हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाए बाय अनदर ग्रुप ऑफ एटम, तो इनसे हमारे पास क्या बन जाता है, इनसे हमारे पास बन जाता है डेरिवेटिव। ठीक है, इनसे बन जाता है डेरिवेटिव। सो हमारे पास ये जो हाइड्रोकार्बन से और कंपाउंड बनते हैं ये बहुत ही ज़्यादा कंपाउंड होते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर अगर हम बात कर लेते हैं जो क्लासिफिकेशन है अपनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, मिसाल के तौर पर अल्कोहल है। ठीक है, अल्कोहल क्या, अल्कोहल के कौन से ग्रुप होते हैं, CH3OH, ठीक है, C2H5OH, ठीक है, C3H7OH, C4H9OH, तो ये हमारे पास अल्कोहल फैमिली हो गई। ठीक है, ऐसे तरीके से अगर हम एमीन की बात करें तो CH3NH2, ठीक है, C2H5NH2, C3H7NH2, C4H9NH2, सो ये एक और फैमिली बन गई। ठीक है, अगर आप इसी तरीके से अल्काइल हैलाइड की बात करें, हैलोजन की अगर हम बात करें, हैलाइड्स की, ठीक है, हैलाइड की, तो इनसे बन जाता है CH3 क्लोरीन, ठीक है, C2H5Cl, ठीक है, C3H7Cl, C4H9Cl, सो एक और नई फैमिली बन गई। ठीक है, अगर आप इसी तरीके से एल्डिहाइड की बात करें, एल्डिहाइड तो बन जाता है CH3CHO, ठीक है, C2H5CHO, C3H7CHO, C4H9CHO एंड सो ऑन। सो ये एक और फैमिली बन गई। अगर आप इसी तरीके से बात कर लेते हैं कीटोन की या कार्बोक्सिलिक एसिड की, ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाता है, CH3COOH कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, C2H5 कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड OH। सो ये भी इसी तरीके से हमारे पास क्या बन जाएंगे, बहुत से फैमिलीज बन जाएंगे। किस चीज़ के फैमिली बन जाएंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड के। और ये फैमिलीज बन गए हैं किस चीज़ की बुनियाद पर, फंक्शनल ग्रुप के बुनियाद पर। और आप जानते हैं कि फंक्शनल ग्रुप हमारे पास बहुत ज़्यादा होते हैं। मैं यहाँ पर आप लोगों को चंद फंक्शनल ग्रुप के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, मिसाल के तौर पर नंबर वन हमारे पास अल्कोहल है, इसकी अपनी फैमिली है, इसका फंक्शनल ग्रुप है OH। ठीक है, दूसरा हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड,
जिसका फंक्शनल ग्रुप है सी डबल ओ एच। तीसरा हमारे पास है एल्डिहाइड सी एच ओ। चौथा नंबर है हमारे पास कीटोन। पांचवें नंबर पर है हमारे पास हेलोजेन। ये आर क्या रिप्रेजेंट करता है? अल्काइल ग्रुप। एक्स क्या रिप्रेजेंट करता है? हेलोजेन। छह नंबर पर ईस्टर, आर ऑक्सीजन कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड आर। सात नंबर पर है एमाइड, सो आर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड NH2। आठ नंबर पर है एमीन, सो आर NH2। नौ नंबर पर है एसिड हैलाइड, एसिड हैलाइड आर कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड एंड X। सो यहाँ पर मैंने आप लोगों को चंद फंक्शनल ग्रुप जो है उनका जिक्र कर दिया कि हमारे पास ये जो न्यू क्लासिफिकेशन है, ये न्यू क्लासिफिकेशन ऑर्गेनिक कंपाउंड की है ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। यानी जिसमें मालूम हुआ कि जिसमें OH होगा वो अल्कोहल फैमिली का होगा, जिसमें सी डबल OH होगा वो कार्बोक्सिलिक एसिड फैमिली का होगा, जिसमें CHO होगा उसमें एल्डिहाइड फैमिली का होगा, जिसमें हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड होगा दोनों साइड पर अल्काइल ग्रुप होंगे सो वो कीटोन फैमिली का होगा, जिसमें सिर्फ हेलोजेन होगा वो हेलोजेन फैमिली का होगा, ये ईस्टर का होगा, ये ईस्टर फंक्शन ग्रुप है ये वाला, ठीक है ये वाला। इसी तरीके से जिसमें हमारे पास कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड NH2 होगा वो एमाइड फैमिली कहलाएगा, जिसमें सिर्फ NH2 होगा वो हमारे पास एमीन फैमिली कहलाएगा, जिसमें कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हेलोजेन होगा सो वो एसिड हैलाइड कहलाएगा, ठीक है। सो ये एक नया क्लासिफिकेशन बन गया या एक नया क्लासिफिकेशन आ गया जिसकी वजह से हमारे पास स्टडी बहुत ज़्यादा आसान हो गई, क्योंकि एक मेंबर को स्टडी करो तो बाकी मेंबर का खुद ब खुद क्या हो जाता है, पता चल जाता है मोस्टली केमिकल प्रॉपर्टीज़ का भी और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ का भी। मिसाल के तौर पर मैं आपको बता देता हूँ कि ये मेरे पास CH3OH है, ठीक है, और मेरे पास C2H5OH है, ये रियल कंपाउंड से, तो ये पहला मेंबर है और ये सेकंड मेंबर है। सो जो केमिकल प्रॉपर्टी इस कंपाउंड के होंगे वही केमिकल प्रॉपर्टी इस कंपाउंड की भी होंगी, क्यों? क्योंकि दोनों में अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप है। इसी तरीके से C3H7OH तो इसकी भी केमिकल प्रॉपर्टी ये होंगी, इसमें भी अल्कोहल है। इसी तरीके से C4H7OH यानी इन सब की केमिकल प्रॉपर्टी क्या होंगे, सेम होंगे, क्यों? क्योंकि इसमें फंक्शनल ग्रुप सेम है। सो फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर जब इनको तकसीम किया गया, इनको डिवाइड किया गया इन कंपाउंड्स को, तो हमारे लिए स्टडी बहुत ज़्यादा आसान हो गई, ठीक है, और इनकी वजह से हम उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी आसानी के साथ स्टडी कर सकते हैं, ठीक है, और उसकी प्रिपरेशन वगैरह भी आसानी के साथ स्टडी कर सकते हैं। थैंक यू।